आज 14 अप्रैल 2021 है और कुंभ की जहां 2 लाख लोग एक साथ इकट्ठे होकर नहा रहे हैं वहां की परमिशन है, मगर यहां जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है एनसीआर दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पे हैं इस समय, हम सामने पार्लियामेंट है, उसकी परमिशन सरकार ने नहीं दी। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, 2 साल से लग नहीं पा रहा। पिछले साल तो लॉकडाउन था मगर इस साल लॉकडाउन नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, लोगों को आना चाहिए। ये वीडियो दरअसल जो भीम आर्मी के जवान सैनिक हैं उनको और उनका जो जनरल कमांडर है, चीफ कमांडर है, उसको ज़रूर देखनी चाहिए और बाकी लोगों को भी देखनी चाहिए और ये पूरे भारत में शेयर करनी चाहिए, सर्कुलेट करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा अनुयायी, भक्त, कार्यकर्ता, उनका फिलॉसफर, उनका विचारक, उनका पीछे लगने वाला, उनका आगे लगने वाला, या उनके नाम से अपना काम करने वाला या सामाजिक काम करने वाला जो भी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम का इस्तेमाल करता है, वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना चाहिए। एक वीडियो में देख रहा था जो रतनलाल जी ने बनाई थी, उसमें जो भीम आर्मी के चीफ कमांडर जनरल हैं उनका एक इंटरव्यू था। वो कह रहे हैं कि अभी हम दिल्ली में एक ऑफिस नहीं बना पा रहे हैं। दरअसल उन्होंने कभी अच्छी तरह से देखा नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर उन जैसे नौजवानों के लिए, उन जैसे क्रांतिकारी लोगों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा अम्बेडकर भवन बना के गए हैं और ये अम्बेडकर भवन पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, बाबा साहब ने अपने पैसे से खरीदा है और आप जैसे यानी जो भीम सेना के, भीम आर्मी के, दलित सेना के, दलित आर्मी के, पैंथर के, पार्टी के, ये जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, सभी तरह के लोगों के लिए वो एक सेंटर बना के, ज़मीन बना के लेके गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बड़े दूरदर्शी थे, उन्हें पता था कि किसी मूवमेंट के लिए राजधानी के पास अपनी एक ज़मीन पार्लियामेंट के पास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने अपने पैसे से उसको खरीदा और वहाँ एक उद्घाटन करके गए, एक शेड्यूल कास्ट वेलफेयर नाम की एसोसिएशन भी बना के गए और उसी के 4-5 लोग वहाँ पे काबिज हो गए। जो भीम आर्मी के लेफ्टिनेंट चीफ कमांडर हैं, जनरल हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ग्रेट चमार का बहुत बड़ा नाम ले कर चलते हैं और वहाँ पर भी ग्रेट चमार 4-5 हैं, तो इसलिए ग्रेट चमार एक साथ हैं, वो उनसे बातचीत कर सकते हैं, वहाँ जाके बहुत बड़ा ऑफिस खोल सकते हैं, उन्हें खोलना चाहिए, वो बाबा साहब की ज़मीन है। अगर वहाँ अम्बेडकर भवन के जो ग्रेट चमार हैं वो उनको एंट्री नहीं देते हैं तो वहाँ गिनती के 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिनको दारू या पैसा दे के खड़ा किया जाता है, बलवा करने के लिए, दंगा करने के लिए, मारपीट करने के लिए। तो जब भीम आर्मी की इतनी बड़ी सेना है तो वो वहाँ 2-4-5 आदमियों से तो निबट सकती है। दरअसल जो हम जिसको ये मानते हैं कि हमारा दुश्मन कहीं और बैठा हुआ है, उसने हमारा संविधान ख़त्म कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो संविधान की लड़ाई बहुत बाद की है। पहले आप जो बाबा साहब ने आपके लिए किया है आप उसको बचाने की शुरुआत कीजिए। वो कोई सरकार नहीं है, वो तो 2-4-5 जो ग्रेट चमार टाइप के लोग हैं वही हैं, तो उनसे अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो आप संविधान बचाने का सपना छोड़ दीजिए, आप सरकार से लड़ने का सपना छोड़ दीजिए। आज 14 अप्रैल है और वहाँ पर एक अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम शाम को होगा जो शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन करती है, उसका जो बिल है, हैंडबिल है, पर्चा है, मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। उस पर्चे में जो स्पीकर हैं, उस स्पीकर भी कमाल के हैं। एक स्पीकर उसमें हैं जो अभी सरकार में हैं और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और वो वहाँ समता सैनिक दल में बहुत दिन रहे भी हैं। समता सैनिक दल को एक छोटा सा कमरा वहाँ दे रखा है ताकि वो विद्रोह ना करें, वो उनसे ये ना पूछें कि भाई अम्बेडकर भवन पे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ हो सकती थी या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोगों का वहाँ पे जमवाड़ा हो सकता था, पूरे देश का वहाँ पे एक एक ऑफिस हो सकता था, पूरे राज्यों के एक एक ऑफिस हो सकते थे, सारी भाषाओं के वहाँ लोग आ सकते थे, वहाँ एक बुद्धविहार भी हो सकता था, वो वहाँ पर ना बनाए। इसलिए समता सैनिक दल के नाम के संगठन जो बाबा साहब नाम चलता है 2 कमरे दे रखे हैं और वो कभी नहीं पूछते। वो समता सैनिक दल में रहे हैं, फिर वो आप पार्टी में चले गए और वहाँ वो मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद आज वो कार्यक्रम में आएंगे। मैंने पिछली बार एक पोस्ट डाली थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो अस्थि कलश हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थि कलश जिसमें अस्थियाँ हैं
वो एक कलश वहां पर जूतों में पड़ा रहता है। एक कमरा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, नीचे पड़ा रहता है, वहां जूते रहते हैं। वो अपने सर पे लेके आ रहे थे, मैंने पोस्ट में डाला था कि भाई यहाँ एक चैत्य बनना चाहिए, बाबा साहब का स्तूप बनना चाहिए, आप सब लोग कब तक बाबा साहब की अस्थियां सर पे उठा के उनकी बेइज्जती करते रहेंगे। किसी भारत के आदमी को पता नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां दिल्ली में अम्बेडकर भवन में, उनके खुद के अम्बेडकर भवन में पैरों के अंदर जूतियों में पड़ी रहती हैं, जिसके जिम्मेदार वहाँ जो लोग हैं, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा के हैं, चाहे वो समता सैनिक दल के हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के हैं, ये सारे लोग मिलके बाबा साहब अम्बेडकर को जूतियों में रखते हैं, जूतियों में। आपको यकीन ना हो तो आप जाके वहाँ कभी भी देख लेना, एक कमरा है जिसमें धूल अड़ी रहती है, किसी को पता नहीं है, और वो किसी को इस बात की हवा भी नहीं लगने देते कि यहाँ बाबा साहब की बेशकीमती अस्थियाँ रखी हुई हैं, जिन पर एक विशाल स्तूप बनना चाहिए था, जो बाबा साहब की खुद की ज़मीन है, क्योंकि इनके पिताजी की ज़मीन नहीं है, वो बाबा साहब ने खुद परचेज की थी, मगर ये स्तूप और उसको इसलिए नहीं बनाते ताकि लोग वहाँ आना जाएं। तो मेरा जो मेरे मित्र हैं राजेंद्र पाल गौतम जी और जो इस समय मंत्री हैं, उनसे निवेदन है कि आप भाषण में जा रहे हैं तो आप इस बात को क्यों नहीं उठाते कि ये अम्बेडकर भवन सबका है और यहाँ मुक्त होना चाहिए। और आप खुद एक ज़मीन के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, आप 5 करोड़ की एक ज़मीन खरीद रहे हैं दिल्ली के आउटर में, दिल्ली के आउटर में आप ज़मीन खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरे भारत में खरीदें, मगर जो सेंटर बाबा साहब ने दिया है उसके बारे में क्या है? आप क्यों हार मान जाते हैं, क्यों नहीं कहते हैं इस बात को, और क्यों उस भाषण में जाते हैं, और क्यों वहां जाके उनका मनोबल बढ़ाते हैं? आप क्यों बायकॉट नहीं करते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ अस्थियाँ रखी हुई हैं, उस पर एक स्तूप नहीं बन सकता, एक बुद्ध विहार नहीं बन सकता, एक बड़ा सा बहुत बड़ा सेंटर नहीं बन सकता, बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो सकता, तो वहाँ जाके आप करेंगे क्या, क्या भाषण देंगे? जो दूसरे मान्यवर वहाँ जा रहे हैं वो सरकारी कर्मचारियों के एक नेता हैं, वो भी एक ज़मीन खरीदने के लिए गाजियाबाद में लोगों से अपील कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भाई, जब यहाँ अम्बेडकर भवन है तो आप इसमें क्यों नहीं अपना काम चलाते, क्यों वहाँ लोगों को परेशान कर रहे हैं? आप उनसे पैसा इकट्ठा करके यहाँ इंटरनेशनल एक नेशनल सेंटर बनाइए ना, सारे कर्मचारियों के पूरे दफ्तर बनाइए ना, कौन आपको रोकता है? ये अगर आपके दोस्त हैं और आपको बुलाते हैं तो आप इनको कहते क्यों नहीं हैं? आप इनको ये बात क्यों नहीं बताते हैं कि ये बाबा साहब की ज़मीन है, बाबा साहब ने लिए, ये सभी शेड्यूल कास्ट के लोगों की है, 4-5 ग्रेट चमार की नहीं है, वो परिवार और जो लोग इस पे काबिज हैं उनको तो समाज बाद में देखेगा, क्योंकि समाज की हालत ऐसी ख़राब है कि संविधान खत्म हो चुका है, नौकरियां हैं नहीं, ज़मीन जायदाद है नहीं, काम धंधा है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है और पूरा देश लगभग प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया है। ये जो नौजवान हैं ये पूछेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक संघर्ष के लिए एक जगह बनाई थी तो वो वहाँ संघर्ष हुआ क्यों नहीं, वहाँ से क्यों नहीं क्रांति हुई, बाबा साहब का सपना वहाँ से क्यों पूरा नहीं हुआ, और वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब की इस सपने को कुचलने के लिए वहाँ बैठ गए, जिन्होंने यहाँ पर अपनी ज़मीन जायदाद तो बना ली मगर समाज की जो ज़मीन जायदाद है वो उन्होंने सारी बिकवा ली। ये बार 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 सवाल पूछेगा, इसलिए जो भीम आर्मी जनरल कमांडर सेना के जो लोग हैं, जो दलित सेना के लोग हैं, जो भीम सेना के लोग हैं, जो जिस तरह के भी ये सारी सेनाएं बनी हुई हैं, हालांकि शर्म की बात है कि इतनी सारी सेनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि अगर ये सारी एक होती तो आज भारत की कुछ बात ही कुछ और होती, और ये दलित और जितने भी लोग हैं जिनको सुलकाश बोलते हैं वो सारे के सारे ठीक ठाक तरह से जी जाते और अपने संविधान, अपने जितने भी सुविधाएँ बाबा साहब ने दी हैं वो बच जाती। एक वीडियो मैंने पहले भी निकाला है, वो भी शेयर करें कि कैसे बाबा साहब की हत्या सारे संगठनों ने मिलकर की है, सारे संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं और बाबा साहब के नाम से कर रहे हैं। आज फेसबुक पे, ट्विटर पे सारी अपनी क्रांति निकाल देंगे, जगह 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 फेस्टिवल होंगे, जगह जगह सारे कार्यक्रम होंगे, मगर बाबा साहब के संगठित, एक संगठित रहने के सपने को कोई पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उन लोगों से लड़ना बाद में जो बाबा साहब के बाहर के दुश्मन हैं, पहले इनसे लड़ो जो बाबा साहब के अपने घर के नाम लेके दुश्मन होते हैं। इनको पहचानो, इनको इग्नोर करो, इनको लताड़ो, इनके बच्चों को बताओ कि तुम लोगों के जो माँ बाप हैं वो निकम्मे हैं, उन्होंने बाबा साहब की क्रांति को रोका है। इनको बताओ कि तुम कैसे संगठन बना बना के अलग अलग धंधे कर रहे हो। इनको बताओ कि बाबा साहब की जयंती नहीं मना रहे हो, बाबा साहब का मरण दिन मना रहे हो, क्योंकि बाबा साहब के सारे अधिकार जा चुके हैं, बाबा साहब के सारे जो भी वो लेके आए थे वो कारमा सारा सारा पीछे जा चुका है, अब सिर्फ जयंती जयंती का नाम रह गया है, अधिकार खत्म हो चुके हैं, बाबा साहब के अनुयायी आपस में लड़के ही मर चुके हैं। इसलिए अभी भी समय है कि आप इनको इग्नोर करो, इनको पैसा देना बंद करो, इन संगठनों को लताड़ो कि भाई जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे हम कुछ भी करेंगे नहीं, कुछ भी मानेंगे नहीं। ये जो अम्बेडकर भवन है यहाँ से शुरुआत कीजिए, अम्बेडकर भवन पे इन लोगों जो ग्रेट चमार का वहाँ पे बना रखा है शेड्यूल कास्ट छोड़ के, उस कॉकस को, उसके बारे में बात करिए, लोगों को
लोगों को बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए कि यहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ जूते में रखी हुई हैं, उनको एक ग्लोरीफाई, उनको सोने हीरे में मड़वा के वहाँ पे स्तूप में रखना चाहिए, जिससे कि पूरी दुनिया का कोई भी अगर बाबा साहब का अनुयायी एयरपोर्ट पे पैर रखता है तो वो सबसे पहले अम्बेडकर भवन आके और वहाँ जाके अपनी श्रद्धा सुमन, अपना विश्वास का सुमन वहाँ जाके अर्पित करे। ऐसा स्तूप, ऐसा विश्व स्तर का स्तूप वहाँ बनना चाहिए। अलग अलग ज़मीनें खरीद के आप बाबा साहब के टुकड़ों को और टुकड़े कर रहे हो। जब बाबा साहब का सब कुछ दिया हुआ है और वो आपसे नहीं बच रहा है, तो आप बाकी बातें जो लोगों को बोलते हो, बेवकूफ़ बनाते हो, वो सब बेकार की बात हैं। पहले जो बाबा साहब ने दिया है वह तो बचाइए। आज यहाँ लाखों की भीड़ होनी चाहिए थी, इस मेले को नहीं बचा पाए। आज यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आके ये जो दो फूल हैं, ये दो फूल हैं श्रद्धा के, ये कहीं रख के जाते तो आज यहाँ भीड़ होती, यहाँ लोग आते तो इस बात का तय होता कि ये मेला, चाहे सरकार इसकी अनुमति दे देना दे, मगर सड़क तो खुली थी, सड़क पर तो आना चाहिए था। मगर इतनी सोच भी अगर नहीं है समाज के अंदर, इतनी बात भी अगर नहीं है, तो आप सोचिए कि समाज सोच में भी कितना पिछड़ा हुआ है। समाज के सारे नेता जो कि इकट्ठे होने की सोच नहीं रखते, वो कितने पिछड़े हुए हैं। बड़ा मुश्किल है ये सब बचाना, क्योंकि जो दीमक चाट रही है, जो बाबा साहब के नाम पर ये दीमक हैं, इनको सबसे पहले निपटना होगा, उसके बाद सरकार से बात करनी होगी। धन्यवाद, आपको जयंती की बहुत बहुत मंगल कामना। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।